नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 4 अगस्त और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 4 अगस्त से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा युवाओं को कला प्रशिक्षण फेलोशिप 2023 देने का निर्णय किया गया है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा युवाओं को कला प्रशिक्षण फेलोशिप 2023 देने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए, 1 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रिपरिषद ने युवाओं को कला प्रशिक्षण फेलोशिप 2023 देने का निर्णय लिया है। परंपरागत एवं जनजातीय लोक कला को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश के 1000 युवाओं को 3 महीने की अवधि के लिए 10,000 रुपये की मानद फेलोशिप प्रदान किए जाने की स्वीकृति भी दी गई है। और इस योजना में युवाओं को गायन, वादन, नृत्य, नाट्य, चित्र तथा शिल्प आदि में से किसी एक कला का प्रशिक्षण 3 माह में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले के पीयूष बबेले को पहला राष्ट्र स्तरीय पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिखर सम्मान प्रदान किया जाएगा? तो इनका संबंध है भोपाल डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो हमारे भोपाल जिले के पीयूष बबेले को पहला राष्ट्र स्तरीय पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिखर सम्मान प्रदान किया जाएगा। और ये देखिए, ये जो साहित्य सम्मान है ये राष्ट्रीय बाल साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। और जो पीयूष बबेले है ये अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं अभी प्रेजेंट में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के मीडिया सलाहकार भी हैं। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी का पहला राष्ट्र स्तरीय पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिखर सम्मान पीयूष बबेले को प्रदान किया जाएगा। एकेडमी के अध्यक्ष इकराम राजस्थानी ने बताया कि पंडित नेहरू के मूल्यों और विचारों को ध्यान में रखकर युवा, खासतौर पर किशोर पीढ़ी के बच्चों को प्रेरित, शिक्षित और राष्ट्र के प्रति समर्पित करने के लिए लिखे गए साहित्य के आधार पर बबेले को यह सम्मान दिया जाएगा। और इस पुरस्कार के तहत बबेले को 1,00,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस जिले में नमकीन क्लस्टर बनाए जाने की मंजूरी दी गई? दोस्तों तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर। तो देखिए, नमकीन क्लस्टर इंदौर में बनाया जाएगा, इसकी मंजूरी राज्य सरकार ने दे दी है। और इसके अलावा इंदौर के बेटमा के पास फर्नीचर क्लस्टर भी प्रस्तावित है। हमारे मध्य प्रदेश का दूसरा फर्नीचर क्लस्टर मुरैना जिले में प्रस्तावित है। जबलपुर और बुरहानपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर बनाए जाएंगे। फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर इंदौर में तथा रतलाम के समीप में बनेगा। और सीहोर जिले के बुदने में खिलौना क्लस्टर प्रस्तावित है। तो हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आयुष विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में आयुष विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। और देखिए, बात करें यहाँ पर हम विश्वविद्यालय की, तो हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय था। डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। पहले इसका नाम क्या था? सागर विश्वविद्यालय था। 1983 में इसका नाम डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय किया गया था। और 2008 में इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1956 में की गई थी। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में की गई थी, ठीक है। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1956 में की गई थी। अभी हाल ही में MPPSC के प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक में है। और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 2008 में की गई थी। और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और इसकी स्थापना 2011 में की गई थी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय है। कितने कृषि विश्वविद्यालय है? 2 कृषि विश्वविद्यालय है। कहाँ कहाँ पर? तो एक तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है और एक ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, जैसे जबलपुर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1960
2004 में की गई थी। और ग्वालियर में कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 2008 में की गई थी। हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी है, इसका नाम क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय। ये भी कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1991 में की गई थी। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में जल्द आयुष विश्वविद्यालय शुरू किया जाएगा। वर्तमान में 1700 आयुष संस्थान है और इन्हें वर्ष 2047 तक बढ़ाकर 5000 तक पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापना की जाएगी। और हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना मिशन के अंतर्गत भारत सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के भोपाल में नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना होगी। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने और औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के मकसद से देवारण्य योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों? तो ये आयुष विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों, आयुष विभाग। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के आयुष विभाग के मंत्री कौन है? तो यह है श्री राम किशोर कावरे, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश के आयुष विभाग के मंत्री कौन है दोस्तों? श्री राम किशोर कावरे। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा विभाग के मंत्री कौन है? तो ये है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। और मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री कौन है दोस्तों? तो यह प्रद्युम्न सिंह तोमर। और दोस्तों प्रद्युम्न सिंह तोमर के पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी है, गृह विभाग नरोत्तम मिश्रा के पास है। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने और औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के मकसद से देवारण्य योजना संचालित की जा रही है। योजना का मुख्य मकसद स्थानीय आबादी द्वारा आयुष प्रणाली से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का अधिकतम लाभ उठाना है। योजना का क्रियान्वयन मुख्य रूप से आयुष विभाग के द्वारा अन्य विभागों के साथ मिलकर किया जा रहा है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर देवारण्य योजना की, तो देखिए दोस्तों इसकी शुरुआत कब से की गई थी हमारे मध्य प्रदेश में? तो ये जुलाई 2021 से की गई थी, ठीक है। और दोस्तों किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो यह हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य में मौजूद औषधियों का सही उपयोग एवं रोजगार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का शुभारंभ श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहां से किया दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। और ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में भी कहां से दोस्तों? तो ये राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से किया है। राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 19 अगस्त 2008 में की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 19 अगस्त 2008 में की गई थी। और यहाँ के अभी चांसलर कौन है दोस्तों? तो ये है हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल। और यहाँ के अभी वाइस चांसलर कौन है दोस्तों? डॉक्टर एस के राव है। तो वो देखिए दोस्तों, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के द्वारा आयोजित 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल जुड़े, वहीं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल भी मंच पर उपस्थित थे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के नवनिर्मित सभागार का नामकरण स्वर्गीय श्री दंतोपंत टैंगड़ी के नाम पर किया गया है। साथ ही स्टेट अकादमी ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस यानी SAAS का शुभारंभ भी किया गया है। और देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, हमारे मध्य प्रदेश में रामसर साइट की संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? 4 हो गई है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और हमारे देश में रामसर साइट की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो ये होगी 75। और दोस्तों हमारे देश में सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है? तो वो है तमिलनाडु। और दोस्तों बात करें यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में पहली रामसर साइट कौन सी थी? तो ये भोज वेटलैंड थी, ठीक है। भोज वेटलैंड कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी रामसर साइट कौन सी थी दोस्तों? तो ये साक्षी सागर झील थी। साक्षी सागर झील कहाँ पर है दोस्तों? तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है, ठीक है। तो साक्षी सागर झील कहाँ पर है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है।
और शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में भी कहाँ पर है, तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में है दोस्तों। हमारे मध्य प्रदेश की तीसरी रामसर साइट कौन सी है दोस्तों, तो ये है सिरपुर तालाब। और सिरपुर तालाब कहाँ पर है, तो सिरपुर तालाब दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में है। और हमारे मध्य प्रदेश की चौथी रामसर साइट कौन सी है दोस्तों, तो ये है यशवंत सागर। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की चौथी रामसर साइट है यशवंत सागर। और ये भी कहाँ पर है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में है। और देखिए दोस्तों, जो भोज वेटलैंड है इसको रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया था, ये 2002 में दिया गया था। बाकी जो तीनों रामसर साइट है कौन कौन सी, एक तो साक्य सागर झील, सिरपुर तालाब और यशवंत सागर, इन तीनों को दोस्तों रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया, 2022 में दिया गया है। ठीक है, 20 साल बाद मिला है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, आज के लिए आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप में पूजा ओझा ने कौन सा पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो